अग्निवीरों की किस्मत चमकनी तय, सरकार करने जा रही है ये बड़े बदलाव, जाने अपडेट। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से जब से अग्निवीर योजना की शुरुआत हुई है तभी से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अग्निवीर का विरोध छात्र ही नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियां भी जमकर कर रही है। लोकसभा चुनाव में भी अग्निवीर का हवाला देकर विपक्षी राजनीतिक दलों ने मोदी सरकार पर हमला बोला था। अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होने के 4 साल बाद रिटायरमेंट का प्रावधान है। इसमें 25% जवानों को प्रमोट करने का नियम है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बड़ी संख्या में ऐसे भी युवा है जिन्हें अग्निवीर के तहत नौकरी तो मिली लेकिन वे छोड़कर आ गए। इस योजना पर खुद सेना के बड़े अधिकारी भी सवाल उठाकर संशोधन की वकालत कर चुके हैं। अब चर्चा है कि सरकार अग्निवीर योजना में कुछ बड़े बदलाव कर सकती है जिससे युवाओं में भर्ती होने के लिए उत्साह बढ़े। आर्मी के इंटरनल सर्वे में कुछ पॉइंट में बदलाव किया जा सकता है। सरकार की तरफ से अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुए जवानों का सेवा काल बढ़ाने पर विचार चल रहा है। माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से अग्निवीर की सेवा काल 4 साल से बढ़ाकर 7 या 8 साल किया जा सकता है। 4 साल की वर्तमान अग्निवीर भर्ती में औपचारिक ट्रेनिंग कुल 9 महीने की होती है। शेष प्रशिक्षण कार्य पर तब किया जाता है जब अग्निवीर की यूनिट में तैनाती हो जाती है। इसे अभी 17 से 21 साल की आयु के बीच अग्निवीरों को रखने का काम किया जाता है। सेना सिग्नल, एयर डिफेंस और इंजीनियर जैसे तकनीकी हथियारों में भर्ती के लिए आयु की सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष करने का प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसकी वजह है कि इन हथियारों को उनकी तकनीकी प्रकृति के कारण प्रशिक्षण के लिए लंबे समय की जरूरत होती है। अग्निवीर किसी तकनीकी क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित करता है तब तक सेवा अवधि समाप्त हो जाती है। इस पर सरकार कुछ बड़े बदलाव कर सकती है। अग्निवीर की सेवा समाप्त होने के बाद दूसरी नौकरी खोजने में सहायता मिल सके इसके लिए भी कुछ बदलाव किया जाना संभव माना जा रहा है। सेना उन अग्निवीरों के लिए भी अनुग्रह भुगतान चाहती है जो प्रशिक्षण के दौरान विकलांग हो गए। इसमें एक पेशेवर एजेंसी होनी चाहिए जो अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद भविष्य की नौकरियां दिलाने के लिए रास्ता दिखाए। इसके अलावा युद्ध में अग्निवीर की मौत होने पर पीड़ित परिजनों को जीवन निर्वाह भत्ते का प्रावधान को योजना से जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, रिपोर्ट की माने तो सरकार जल्द ही अग्निवीर स्कीम में चेंजिंग कर सकती है। और आपकी क्या राय है अग्निवीर स्कीम के प्रति हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अग्निपथ स्कीम चेंज होनी चाहिए या नहीं और इसमें क्या क्या चेंजिंग होना चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।